बच्चों का रिजल्ट अगर शानदार होता है तो निश्चित तौर पर बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों के भी चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। और कुछ ऐसा ही दिख रहा था जहानाबाद सदर प्रखंड के अंतर्गत पंडुई सुल्तानी में संचालित साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जहां सेकेंड फॉर्मेटिव परीक्षा फल घोषित किया गया। शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। विद्यालय के निदेशक एसपी सिंह ने दीप प्रज्वलित करके इस पीटीएम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अभिभावक शिक्षक एवं बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में सतत प्रयास से ही बेहतर मुकाम हासिल किया जा सकता है। इन्होंने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को घर पर एक सही माहौल देना आज के वर्तमान समय में काफी जरूरी और आवश्यक है। इन्होंने इस अवसर पर शिक्षकों को भी बच्चों को लेकर काफी गंभीरता से बात की और हिदायत भी दी कि संस्था को बेहतर तरीके से परिणाम चाहिए, जिससे विद्यालय के बच्चों के लिए उसका ये विद्यालय पहली पसंद बने। इस अवसर पर विद्यालय के एकेडमिक डायरेक्टर अनुभव सिंह ने कहा कि आज का परीक्षा परिणाम देखने के बाद एवं अभिभावकों के फीडबैक के आधार पर हम गर्व से ये कह सकते हैं कि शिक्षकों ने काफी परिश्रम किया है। इन्होंने बताते हुए कहा कि इस परीक्षा में 100% बच्चों ने बेहतर परिणाम लाए हैं। इन्होंने अभिभावकों की भूमिका पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के समय में पढ़ाई के अलावा संस्कार संस्कृति की भी समझ बच्चों को देने की जरूरत है। इन्होंने अभिभावकों को बच्चों की भावना को जानने की कोशिश करने को कहा, जिससे बच्चों के अंदर जिज्ञासा बढ़ता है और बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। एकेडमिक डायरेक्टर अनुभव सिंह ने अभिभावकों एवं शिक्षकों को फीडबैक के आधार पर संबोधित करते हुए कहा कि जिले में ग्रामीण क्षेत्र का साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल अनुशासन संस्कार एवं संस्कृति के साथ मूल्य आधारित शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध है। इन्होंने यह भी कहा कि यहाँ के बच्चे एवं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में प्रतिभा की कमी बिल्कुल नहीं है, बस सिर्फ आज के वर्तमान समय में यह है कि आज का बच्चा अभिभावक को गाइड करता है, पहले ऐसा नहीं होता था। इन्होंने अभिभावकों से अपील की कि आप सब अगर बेहतर ढंग से बच्चों के विकास में सहयोग करेंगे तो ये विद्यालय भी एक ग्रामीण क्षेत्र का मॉडल विद्यालय के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि पूरा विद्यालय प्रबंधन काफी निष्ठा के साथ बच्चों के विकास के लिए प्रयासरत है। परीक्षा परिणाम में बेहतर करने वाले बच्चों में वर्ग 7 से स्वीटी कुमारी, वर्ग 6 से राजकुमार, वर्ग 5 से रघुवंश सिंह, वर्ग 4 से प्रिया कुमारी, सुमित कुमार, वर्ग 3 से सुशील कुमार, वर्ग 2 से नवीन शंकर वर्मा, वर्ग 1 से शुभम राज आदि बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक रंजन कुमार सिंह, राहुल शर्मा, चंद्रेश योगी सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे एवं अभिभावकों एवं बच्चों को निर्देशित कर रहे थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार परीक्षा फल सेकंड फॉर्मेटिव का घोषित किया जा रहा है और इस परीक्षा फल में 100% बच्चों ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। और इस परीक्षा फल को देखने के उपरांत हमने अभिभावकों को कई दिशा निर्देश भी दिया है और ये दिशा निर्देश हमारे माध्यम से हर प्लेटफॉर्म पर दिया जाता है, क्योंकि आज जो हमने रिजल्ट बच्चों का देखा है उसमें हमें अपने अभिभावकों को बच्चों के संस्कार और संस्कृति के ऊपर हमने विशेष बल दिया है, क्योंकि आज के समय में संस्कार और संस्कृति की झलक बच्चों में नहीं दिखाई देती है, जो हमारे लिए एक चिंताजनक बात है और हमारे लिए क्या है, देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए चिंता की बात है। और ये सभ्यता और संस्कृति और बच्चों की पढ़ाई, ये तीनों का जब तक समागम नहीं होगा, जब तक तीनों का एक बेहतर विकल्प नहीं बच्चों के सामने पेश होगा और बच्चों का अगर अपना मोटिव नहीं चेंज होगा, तब तक बच्चों का बेहतर रिजल्ट ओवरऑल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से बता पाना मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने अभिभावकों को रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने बच्चों को सही संस्कार दीजिए, घर पर एक बेहतर माहौल देने की कोशिश कीजिए। विद्यालय परिवार तो पूरी निष्ठा के साथ आपके बच्चों के लिए कृत संकल्पित भाव से लगा है और विद्यालय ये चाहता है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से माता पिता ने जो अपने बच्चों को एक सपना दिया है, एक सपना मतलब उनके माइंड में एक चीज डाला है कि नहीं बेटा तुमको ये लक्ष्य बनाना है, तो बचपन से ही बच्चों को लक्ष्य के प्रति एक जागृति डालने की जरूरत है, उनके मन में एक विजन डालने की जरूरत है, जिससे बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है। मैंने शिक्षकों को भी इस मौके पर काफ़ी दिशा निर्देश दिया है और शिक्षकों को अपडेट होने के लिए मैंने विशेष रूप से कहा है, क्योंकि आज के समय में स्मार्ट वर्क बहुत ही मायने रखता है
और आप जब तक स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप ट्रांसफॉर्म चीज को नहीं करेंगे, जब तक आपके कामों में इनोवेशन नहीं होगा, इनोवेटिव आइडियाज नहीं होंगे, तो बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो कम हो जाएगा। और अगर आप इन तीनों चीजों को अगर आप मिला करके काम करेंगे, सत्यनिष्ठा के साथ अगर काम करेंगे, सच में एक संकल्प के साथ काम करेंगे, तो बच्चों में वो परिणाम दिखता है। और बच्चों में परिणाम में स्वाभाविक है, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं जितने भी हैं अपने स्तर से तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन अभिभावकों की अभिलाषा तो ज्यादा होती है ना कि हमारे बच्चे का परसेंटेज क्यों कम है, बच्चों का रीडिंग स्किल क्यों कमजोर है। तो इसके लिए अभिभावकों को भी अपने दायित्वों को समझना होगा और बच्चों को इनकरेज करना होगा। हमेशा बच्चों को पढ़ाई को लेकर के ये नहीं कि हमारा बच्चा ये है सर, उसका बच्चा ये है, उसका बच्चा का ये परसेंटेज आ रहा है, आपका बच्चा अच्छा है, आपका बच्चा बेस्ट है, ये उसको संदेश देने की जरूरत है, उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जिससे बच्चे के मन में भी एक प्रसन्नता होती है, उसकी भावना को समझने की कोशिश करनी है, जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण होगा, विद्यालय में एक बेहतर माहौल का निर्माण होगा।